साहब आप क्या लेकर के आओ, क्या समर्पण किया भगवान रामलला को? हमने प्रभु श्री रामलला को विश्व की पहली चांदी की झाड़ू अर्पण की है। जैसे कि विदित होगा कि 22 जनवरी को पूरे भारत में दिवाली के रूप में मनाया जा रहा था, तो अखिल भारतीय मांग समाज द्वारा यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि दिवाली को कहीं ना कहीं लक्ष्मी स्वरूप झाड़ू की पूजा होती है, इसी को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय मांग समाज ने विश्व की पहली चांदू की झाड़ू श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में भेंट की गई है, जिसमें ये झाड़ू बनाने में कितना समय लगा, क्या खास है ये झाड़ू? झाड़ू बनाने में बहुत ही कम समय में, 11 दिनों में यह सुंदर सी झाड़ू कंप्लीट हुई है, क्योंकि इसके जो मूठ पर माँ लक्ष्मी खुद कमल के फूलों पर विराजमान है और इसमें बहुत अच्छी सुंदर नक्काशी करी है और आजू बाजू जो मोर लगा है और 108 चांदी की लकड़ियों से यह झाड़ू निर्माण हुआ है और इसका वजन 1 किलो 751 ग्राम है और यह उज्जैन के महाकालेश्वर से सिद्ध पूजा अर्चना करके सिद्ध करके यहाँ पर लाई गई है। किसको दिया गया, किसको समर्पित किया गया? यहाँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के ट्रस्ट के माननीय चंपत्र जी राय जी को यह भेंट की गई है और हमारा यह समाज का निर्णय है कि यह प्रभु श्री राम जी के गर्भघर में रखा जाए ताकि वहाँ की साफ सफाई की जाए, क्योंकि 22 जनवरी को दिवाली मनाते हैं तो हमारा यहाँ कहीं ना कहीं निर्णय था कि बिना झाड़ू के, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, बिना झाड़ू की दिवाली नहीं मनाई जाती है, इसको ध्यान में रखते हुए समाज ने ये छोटी सी भेंट की है, जिससे कालांतर में हमारे समाज को एक नई दिशा और नई पहचान मिले और हमारा राम जन्मभूमि के इतिहास में हमारे समाज का उल्लेख हो। क्या नाम आपका? मधुकर राव देवारे। अखंड भारत के केंद्र बिंदु जिला बैतूल, माँ ताप्ती के उद्गम पवित्र स्थान से हम आए हैं।